तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स हम चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हमारा ये टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब कि जैसे देखो, ये हमारे पास फंक्शन है वाई। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या लिखता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स ऐसे लिखता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई वन, या इसको मैं y डैश से भी लिख सकता हूँ, y डैश, y दिस इज डैश, ठीक है, किसी भी तरीके से। और अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म है तो हमारा जो डेरिवेटिव हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। क्या हो गया कि हमें ऑर्डर वाइज, ये पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब उसी डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल अगेन। जैसे हमने एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन को डेरिवेटिव किया, तो डी वाई बाई डी एक्स, या वाई वन लिख दिया उसको, या वाई डैश लिख दिया, दैट इज़ वाई का डेरिवेटिव वाई वन, या वाई का डेरिवेटिव वाई डैश आ गया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश एक्स आ गया। वैसे ही हम दूसरी टाइम फिर से इसी फंक्शन को डेरिवेटिव कर दूंगा। जैसे कि अगर मैंने फिर से इसको डेरिवेटिव कर दिया, अब पहले फंक्शन ये था, y को d बाई डी एक्स लगा दिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अब dy वाई बाई डी एक्स इज अ फंक्शन तो उसको फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो ये हो क्या जाता है, दिस इज डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वाई टू के से, y डबल डैश से, या f डबल डैश x, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्डर से मतलब कि बार बार डिफरेंशिएट करना और हायर ऑर्डर पे जाना, ठीक है। एक टाइम डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आए, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड ऑर्डर। अब दोबारा इसको डेरिवेटिव कर दूंगा, फिर से इस फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कैसे लिख सकता हूँ, वाई थ्री वाई ट्रिपल डैश, या एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे हम चलते जाते हैं, ठीक है। वैसे हम एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं, ठीक है। तो एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हायर क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीएससी क्लासेस में हमने एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव को भी डिस्कस कर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव के लेक्चर के बारे में जानना है तो आप बीएससी की लेक्चर को देख सकते हो मेरे प्ले चैनल पे जाके, प्लेस पे जाके, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की एक्सरसाइज में, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है कि फाइंड, अगर लिखा को फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स क्यू नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स की पावर ट्वेंटी, थर्ड वन इज एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फोर्थ टेन इनवर्स एक्स। तो इन सभी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डैट मीन्स कि मुझे फंक्शन लेट करना पड़ेगा। सो मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। नंबर वन, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूँगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, अब डेरिवेटिव करूँगा तो आपको पता है एक्स की पावर, सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको।
चाहे चेन रूल हो, चाहे क्वेश्चन टूल हो, चाहे हमारा एक्स पावर एन का फॉर्मूला हो, जो साइन डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव, इनवर्स डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, सभी फार्मूलाज याद होते हैं। तो एक्स की स्केयर के ऊपर हमने एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आ गया, 2x की पावर 2 - 1 तो 1 आ गया, प्लस 3x, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, डैट मीन्स, तो अब 2 क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। डैट मीन्स ये देखो, मैं यहाँ पे एक बार आपको अ लिटिल बिट सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो क्या है कि जब हम यहाँ पे मैंने लगाया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर, तो क्या है, n(x)(n-1)। अब यहाँ पे लगाया डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ रहा था, वेरिएबल का एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, तो मेरे पास यही बच गया जैसे, ये देखो, ठीक है, तो 3 बच गया। तो कांस्टेंट, तो जब अकेला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, 0, तो मेरे पास आ गया dy/dx = 2x+3। ठीक है, ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, तो जब डेरिवेटिव करूँगा तो dy/dx ऑफ dy, पहले फंक्शन y था, अब फंक्शन dy है, तो इसका dy/dx कितना हमारा, 2x+3, तो ये आ गया d²y/dx², तो 2x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2, क्योंकि 2 इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो ऐसे ही जैसे ये भी लग गया, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया, 1। ठीक है, अब 3 इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल क्या होता है, 0, तो क्या आ गया मेरे पास, 2। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सेकंड डेरिवेटिव, उन्होंने बोला फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो मेरे पास क्वेश्चन का d²y/dx² कितना आ गया, 2, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, साथ में देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो इसको वायलेट करूँगा x²20। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, dy/dx, तो x²n का फॉर्मूला क्या आ गया, 20x²20 - 1 कितने आ गए, 19। ठीक है, तो अब ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन अगेन डेरिवेटिव करूँगा, तो क्या आ गया, d²y/dx², यहाँ पे इधर ये आ गया। अब ये देखो, 20 तो कांस्टेंट है, x²19 का डेरिवेटिव, x²n का फॉर्मूला, तो क्या आ गया, 19 आ गया, आ गया n(x)(n-1), तो n-1 कितना हो गया, 18। तो ये d²y/dx² जो मेरे पास बना, 20 × 19 380x·18, तो ये हमारा डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3, दिस इज x cos x। ठीक है, तो अब x cos x पार्ट 3, थर्ड पार्ट की बात कर रहा था, थर्ड पार्ट में y = x cos x, तो जब डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों, ये एक फंक्शन एक्स का, ये भी फंक्शन है, ये भी, तो u·v का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या रहेगा, dy/dx, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, कॉस पहले सेकंड का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव -sin x, अब दूसरे को छोड़ दो, पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया, 1, तो dy/dx कितना आ गया मेरे पास, -x sin x + cos x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो मेरे पास बचा d²y/dx लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा अगेन, तो डैट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है -x sin x + cos x, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो d²y/dx² इक्वल्स टू,
अभी यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, माइनस तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ, यहाँ पे u इंटू वी, तो u इंटू वी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, u इंटू वी के अकॉर्डिंग x साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस प्लस, अब साइन को छोड़ दो, ये u है और ये v, u छोड़ दिया v का डेरिवेटिव, अब v छोड़ दिया u का डेरिवेटिव कितना आ गया 1, माइनस बाहर ही है ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, कॉज एक्स का कितना आ गया मेरे पास माइनस साइन एक्स, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कितना बन गया मेरे पास, देखो माइनस एक्स कॉज एक्स तो माइनस साइन एक्स और फिर से माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट ओपन की माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर मेरे पास बन गया, दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स, दिस इज आंसर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, वो हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, मैं यहाँ पे कर दूंगा फोर्थ पार्ट है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उन्होंने बोला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगा डेरिवेटिव, तो फिर सेकेंड ऑर्डर, तो क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स के। तो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो इसको दो तरीक़ों से कर सकता हूँ, अब देखो यहाँ तो यू और वी लगा लूँ फार्मूला, अगर नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x² - 1, नहीं तो u और v लगेगा ठीक है, तो u और v क्वेश्चन फार्मूला लगाने की बजाय मैं इस फार्मूले से करूँगा, ये सिंपल हो जाएगा 1 + x² - 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो आगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, अब इस फंक्शन पे क्या लगेगा फार्मूला, x की पावर n का, ये x है पावर n, क्या है -1 एन आगे आ जाता है 1 + x² - 1 - 1, ये फॉर्मूला तो ये है हमारे पास एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव गेन होगा ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास देखो -1 आगे आ गया 1 + x² - 1 तो पहले थे तो -1 हो गया, और क्योंकि ये लगेगा ना एन एक्स एन माइनस वन, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो अब इसका डेरिवेटिव गेन होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² साथ में आ जाएगा, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या आ जाएगा -1 + x² - -2 और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना 0 और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, आपको पता है x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कितना आ गया मेरे पास -2x अपॉन, ये जो हमारा न्यूमिनेटर में था डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ठीक है। तो ये थे थोड़े सिंपल से क्वेश्चन, अब थोड़ा हम कम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और ठीक है, जैसे हमें कुछ और वेरीफाइज होंगे क्वेश्चंस ठीक है, तो देखें जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास ज़्यादातर क्लास 12 में ना हमारे पास जो ना क्वेश्चंस वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही ज़्यादातर रहते हैं ठीक है, थर्ड ऑर्डर में नहीं जाता हमारा लेवल, जो सेकंड ऑर्डर तक जो हायर क्लास में थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में जाते हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है देखें इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्रूव दैट डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्रूव करना, तो अब देखो ये इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो यहाँ पे वाई तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए डी स्केयर वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे यहाँ से,
जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं तो डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा, बट अगर पुट कर दोगे तब भी आपकी मर्जी, जैसे वैसे सिंपल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये आप देखो कि ये हमारे पास गिवन वाई क्या है, हमारे पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो पहले तो वाई गिवन है, तो वाई को पहली बार डिफरेंशिएट करूँगा तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा ना पहले, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ भी ए और बी कॉन्स्टेंट है, याद रखना। अब ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर रह गया, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया कॉस एक्स, बी कॉन्स्टेंट है तो कॉस का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, ये देखो मेरी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ अगेन, अगर मैंने अब डेरिवेटिव तो ये आ गया टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, वैसे ए कॉन्स्टेंट है, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन माइनस बी, और साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, ठीक है, तो क्या आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ से जो हमारा नेगेटिव कॉमन है, नेगेटिव कॉमन आ गया तो मेरे पास बच गया देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, चेक कर लो यही बचा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, दोनों ही सिंपल हैं, कोई बात नहीं। अब पहला तो मैंने बोला था कि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें और वहाँ पे पुट कर दें और प्रूव कर दें कि इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, बट अब यहाँ पर देखो ये क्या बना है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये किसकी वैल्यू चेक करो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसकी वैल्यू वाई की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वाई, ये सारी वैल्यू क्या है वाई की, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो डायरेक्टली प्रूव हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ इधर आ गया तो प्लस हो गया इक्वल जीरो, तो यही हमने प्रूव करना था। अगर ऐसे नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख लो क्या है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, यही है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से बिल कर लो प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो देखो तब भी तो प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, तो हमने ये प्रूव कर लिया। तो किसी भी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और क्लैरिटी के लिए हमारी जो हमें जो नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, देखिए ये मैं शीट को चेंज कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है कि है वाई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल जीरो। इसकी बजाय ये वाई टू का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है,
प्लस वाई इक्वल यू, ये वही बात है, ये दोनों सही। वाई टू का मतलब ही है सेकंड डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, और वाई तो वाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव, तो वाई से ही फाइंड आउट करेंगे ना। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब कॉज एक्स है, कॉज एक्स, एक्स क्या है लॉग एक्स, तो कॉज का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव अगेन होगा, तो एक्स क्या है हमारे पास लॉग एक्स, लॉग का डेरिवेटिव कितना आ गया वन अपॉन एक्स, इस पार्ट का डेरिवेटिव होगा। अब साइन, साइन ऑफ एक्स, तो साइन का क्या है कॉज, और एक्स का डेरिवेटिव अगेन वन अपॉन एक्स, तो मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव। अब देखो कि अगर मैं इसको अगेन सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे भी यू और वी, और यहाँ पे भी यू और वी, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, यू और वी लगेगा ना, कोशेंट रूल की बजाय। अगर मैं ये एक्स एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो अ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई वन है हमारे पास, ये वाई वन ही है, ठीक है, तो वाई वन है तो क्या लिखूँगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स, सेम है तो कंबाइन आने का, तो ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको वाई वन लिखना है तो लिख लो, नो प्रॉब्लम, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं। मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स तो वाई वन ही होता है, अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या रहेगा, वाई टू ही आएगा, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोशेंट रूल लगना था, तो अब क्या लगा सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये वाई वन, वाई वन किसका फंक्शन है आपको पता है, अगर वाई फंक्शन एक्स का तो वाई वन भी, ये जो हमारा वाई वन है किसका फंक्शन है, एक्स का ही है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन लगाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो ये है यू और ये है वी, यहाँ पे यू इंटू वी लग जाएगा। अब यू आ गया ऐसे ही, वी का डेरिवेटिव वाई वन का डेरिवेटिव, तब सेकेंड टाइम किया तो वाई टू आ गया प्लस, अब वी ऐसे एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया वन, कर तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही रहे हैं, अच्छा। अब माइनस साइन, फिर से इसका डेरिवेटिव करूँगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉज लॉग एक्स, अब लॉग का फिर से होगा तो वन अपॉन एक्स प्लस कॉस का क्या है फिर, माइनस साइन लॉग एक्स, अब फिर से लॉग का वन अपॉन एक्स, तो ये आ गया एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब फिर से क्या करूँगा, एलसीएम, माइनस कॉमन आ गया, अगर मैं लिख लूँ तो क्या आ गया ऊपर, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स ओवर एक्स। अब चेक करो ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की, तो मैं यहाँ पे वाई लिख दूँगा, और ये तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। अब ये नेगेटिव है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, चेक कर लो, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करने पड़ेंगे, कि अगर हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह में थोड़ी सी भी गलती ना हो, ठीक है।
ठीक है, फॉर्मूलास में थोड़ी सी भी गलती ना हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इन क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ सम काइंड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखें अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखें देखो देखो ये नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स पावर टू शो दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे शो दैट, ये मैं थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया, शो दैट शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल्स टू टू, ये शो करना है हमें, ठीक है। तो सो जो शो करना है वहाँ, ये y2 क्या है मैंने आपको पहले बताया, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, और y1 क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल कि व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव इन फर्स्ट। तो ये y गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा dy वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का स्क्वेयर का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा पहले x की पावर n का फॉर्मूला टू tan इनवर्स x की पावर टू माइनस वन कितना गेट टू, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स अगेन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो डैट मीन्स हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाने के बजाय मैं प्रोडक्ट रूल को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो सिंपल होगा। तो ये मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लूँगा कॉस मल्टीप्लाई। तो अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई वन। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन कर लूँ, ठीक है। बट करने से पहले यहाँ पे एक स्टेप मैं और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि वो ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या हम एक स्टेप ऐड करेंगे, देखो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप ये ऐड कर रहा हूँ कि स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करूँगा मैं, ठीक है। क्या आएगा स्केयरिंग बोथ साइड्स, सॉरी स्केयरिंग बोथ साइड करूँगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्केयर, तो वाई वन का स्केयर इक्वल टू टू, टू का स्केयर कितना आ गया फोर, देखो वन प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर वाई वन का स्केयर आ गया, टू का स्केयर फोर, तो टेन इनवर्स एक्स का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन होगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्केयर का स्केयर वाई वन का स्केयर इक्वल टू फोर। अब ये टेन इनवर्स एक्स का स्केयर है क्या, चेक करो ये क्या है वाई, यहाँ पे मैं वाई लिख दूंगा। अब करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे यू इंटू वी, ये हमारा यू है ये वी, इस फंक्शन को यू ये वी, अब ये यू यू एज इट इज रहने दूंगा। अब वी का डेरिवेटिव वाई वन स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, अगर टू वाई वन फिर से वाई वन का वाई टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर एन,
तो फिर से एक्स का डेरिवेटिव करता तो क्या आ गया, वाई वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, वाई टू, तो क्या आ गया मेरे पास टू वाई वन वाई टू प्लस, अब वी छोड़ दो, अब डेरिवेटिव कितना कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया टू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू माइनस वन, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो इस बात को मैं लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स की पावर टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन होगा तो वन का डेरिवेटिव जीरो, तो एक्स स्क्वायर का कितना रहेगा टू एक्स, तो ये मैं साथ में लूँगा टू एक्स इक्वल्स टू फोर कॉन्स्टेंट है, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वन, इसको अगेन डेरिवेटिव करूँ तो वाई वन आ जाएगा, तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और आ गया साथ में टू वाई वन वाई टू प्लस टू टू का फोर एक्स वाई वन का स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई वन। अब देखो अगर यहाँ से कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है हमारे पास टू वाई वन कॉमन है, तो टू वाई वन कॉमन निकाल लूँगा, तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर साथ में आ गया वाई टू प्लस टू वाई वन कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे टू एक्स वाई वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई वन, ठीक है, तो यहाँ से वाई वन से वाई वन कैंसिल हो गया टू से टू, तो क्या आ गया मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू टू। तो चेक करो यही हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये देखो यहाँ से मैं ये स्टेप, यहाँ से टू वाई वन कॉमन निकाल लिया, और टू वाई वन यहाँ ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, तो फोर वाई वन था तो टू वाई वन तो रह गया टू, कट गया यहाँ से, तो मेरे पास ये हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे हम इसी रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी अपने आराम से कर सकते हैं जो कि हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ कंसर्न रखते हैं क्लास ट्वेल्थ में, ठीक है। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होगा और आप इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस लेक्चर में तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।